exams and we solve the question of type C. I've told you in my previous lecture. Now today we will solve the exercise of chapter number 5. As I told you, this chapter is very, very important for the board purpose. There definitely can enter mark question will arise from this section. We need to understand every point, every word, every letter is very important for this chapter. Not only on definition, even the program is very much important. So I told you I will not leave even a single example. And in my lectures, I told you all the solve example inside the book. Now I will tell you all the example after the book. Okay, students. Now we will start the question number 5, because till the question number 4 you have a definition. Question number 5 of page number 194, and we will solve the very first question. Write a function start that accept the file name and report the file's longest line. So the question is given. What is the first you understand? What is the question mean? Question means, student, the question is asking to you that एक फाइल नेम को आपको एक्सेप्ट करना है. एक फाइल है या एक फंक्शन है जिसका नाम स्टेट दिया हुआ है. अगर आपको एग्जाम्पल देख के देगा कि नाम ये दिया हुआ है, सॉरी मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गॉप कर दी बेटा, स्पेलिंग है आपकी STATES. अगर ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, देन यू नीड टू राइट द आर्ग्यूमेंट पासेस फाइल नेम एज गिवन इन दैट क्वेश्चन. मैं अपने आप से नहीं बता रही हूँ, दिस इज गिवन ऑन अ क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि फाइल नेम एंड रिपोर्ट द फाइल लॉन्गेस्ट टाइम. फाइल नेम आपको करना है एंड रिपोर्ट द फाइल लॉन्गेस्ट टाइम. कब तक उस फाइल को लॉन्गेस्ट टाइम तक हम ले देंगे. ओके, तो लॉन्गेस्ट टाइम निकालने के लिए डेफिनेटली हमें कंपेरिजन करना पड़ेगा कि ये वाली लाइन अगर ये वाली लाइन से बड़ी है तो ये बड़ी है वाला वो बड़ी है. ये क्वेश्चन आपको सर याद आया हो तो मैं ये क्लास में आपको बताया था कि हम दो इंटीजर का कंपेरिजन करते हैं, तीन इंटीजर का कंपेरिजन करते हैं, तो हम कैसे करते हैं. ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी एंड देन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी एंड देन सेम वी आर डूइंग दैट ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन ए. सो दिस वी आर डूइंग स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ लॉजिक फंक्शन. Okay students, now so how can we find out that this which file is big ya which file is long. ek ko file ek one le lo, dusre ko file two le lo, theek hai, seedha seedha phanda laga lete hain. if length, agar length isko line le liya, isko longest le liya, do le, theek hai, agar ye line wali isse badi hai longest se, ठीक है, अगर बड़ी है तो क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट इक्वल्स टू लाइन, तो प्रिंट करो या तो आप लॉन्गेस्ट प्रिंट करो क्योंकि हमें मैक्स साइज ही निकालना है, तो हम लॉन्गेस्ट ही निकालो कि कौन सी लेंथ आपकी बड़ी है. दो लेंथ के बीच में, दो फाइलों के बीच में कंपेरिजन है कि किसमें कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है. अगर हमें दो फाइलों के बीच में कंपेरिजन करना है तो हमें ये भी लेना पड़ेगा. इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है लाइन इन अ फाइल फॉर, एक तरीके से लेंथ रेंज लगाई हुई है लेकिन रेंज का यहाँ कोई यूज़ नहीं है, इसलिए मैंने आपको इस फंक्शन को नहीं लिया है. मैंने जब मैंने बनाया है तो मैंने इस फंक्शन को नहीं लिया है क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है बच्चा. और क्योंकि हम सिर्फ हमें लॉन्गेस्ट निकालनी है तो करेक्टर को इन यूज़ करना है, तो करेक्टर को इन यूज़ हम ऐसे ही कर सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट करके उसका लाइन फंक्शन ले लिया, दूसरा वेरिएबल क्रिएट करके उसका लॉन्गेस्ट फंक्शन ले लिया. अगर लाइन ज़्यादा है, लाइन ज़्यादा होंगी लॉन्गेस्ट से तो आप लॉन्गेस्ट प्रिंट करोगे क्योंकि हमें प्रिंट हरा तो मैक्स ही कराना है, तो हम लॉन्गेस्ट नंबर को ही प्रिंट कराएंगे, लाइन को नहीं प्रिंट कराएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट. आउट इक्वल्स टू फाइल आउटपुट टीएक्सटी डब्ल्यू एंड देन द हेलो वर्ड हाउ आर यू आउट डॉट क्लोज एंड हाउ इट इज गिविंग द आउटपुट. स्टूडेंट्स द फर्स्ट आउटपुट, the first line is saying this is a write file so there is no output. The second line is giving first output is hello world. The third line is giving second output how are you and afterward the file are closed. The answer is hello world and how are you. Now we will discuss question number 7 and today we will discuss till
and longest zero and this. Now what is the generated output? Write a function, remove lowercase and set to file name and copies all line that do not start with the lowercase. सारी उन लाइनों को कॉपी करना है जो कि लोअर केस से स्टार्ट हुई हैं, इसलिए हमारी फाइल का नाम भी यानी हमारे फंक्शन का नाम भी लोअर केस हो जाएगा. ठीक है, फ्रॉम फाइल इनटू सेकंड, तो लोअर केस फंक्शन लगा करके हमने फॉर लाइन इन फाइल कर दिया, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि एक एक लाइन में कितने नंबर ऑफ करेक्टर है, कितने नंबर ऑफ लोअर केस हैं, तो हमें रेंज लगानी पड़ेगी, है ना. और इसको स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से, क्योंकि रेंज की लिमिट जीरो से ही स्टार्ट होगी. तो फिर वो टोटल करेक्टर ऑफ नंबर्स आपका काउंट करते हुए चलेगी और फिर आपको आउटपुट देगी. तो दिस इज वेरी इजी, आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ डायरेक्टली वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? फाइल पोएम हिस्ट्री रीड अ लाइन वाई एन एन, देन सॉल्यूशन विल बी डब्ल्यू एच वाई क्वेश्चन मार्क एंड एन. स्टूडेंट, दिस इज द पोएम डॉट टी एस टी. ओके, ये पोएम आपकी क्वेश्चन नंबर 8 से आई हुई है. ओके, सो इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 से आया होगा. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? पोएम डॉट टी एस टी आर रीड लाइन स्पिट. पहला आउटपुट आपको दिया हुआ है सोल्यूशन में, रीड की क्या आपको पोएम टी एस टी में क्या लिखा हुआ है. पोएम टी एस टी में लिखा हुआ है वाई. जब तक लिखा नहीं होगा उसके अंदर कुछ, तब तक आप कैरेक्टर को काउंट नहीं कर सकते हो. तो आपने वाई इससे ले लिया. नेक्स्ट आता है वाइट स्पेस, तो वाइट स्पेस भी आप बीच में कवर करेंगे. वाइट स्पेस का मतलब ये हुआ कि स्लैश एन की लाइन जो होती है नेक्स्ट लाइन से जो कवर होता है वो आप कवर करेंगे. इसलिए फाइनल आंसर आया है आपका वाई स्पेस स्लैश एन. ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. इसी टॉप क्वेश्चन नंबर 10 आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12 इज मोर इंपॉर्टेंट. After that, if I told you question number 12, the rest of all you can do. What is the output produced by the following code? New text, write a poem by Paramarsh Yogendra, पहला output हो गया. आपको देखते ही लिख देना, दिमाग तो लगाना ही है. दूसरा क्या है? Better than heaven of Elgada, ठीक है. I love of three of India and the illness. सबसे पहले इन क्वेश्चन में आउटपुट के क्वेश्चन में सारे आउटपुट को निकाल के अलग लिख दीजिए. सबसे बेस्ट पॉइंट आया आपका. मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या है, जितना भी आउटपुट आपका डबल यानी स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा है उसको निकाल के आप अलग कर दीजिए. फिर अगर नीचे आइए और अगर नीचे कोई लिमिट दी हुई है कि इतने करेक्टर तक काम करना है तो आप उसमें कीजिए, अदरवाइज पूरा आंसर ही आपका आंसर होगा. आइए नीचे देखते हैं. नीचे हमें लिमिट दे दी है 48, यानी हमें आ से स्टार्ट करना है, ए से, और विद स्पेस काउंट करते हुए इसको 48 तक लेके जाना है. और 48 में आ जाएगा आपका हेवन. अगर आप काउंट करेंगे, मैं ऑलरेडी काउंट कर चुकी हूँ, आप प्लीज़ काउंट करिएगा. 48 पे आपका हेवन आ जाएगा, तो हेवन पर ये आउटपुट खत्म हो जाएगा. मिस कहने की बात ये है कि अगर आपको लाइन का नंबर नहीं दिया हुआ है और कैरेक्टर का नंबर नहीं दिया हुआ है तो बाई डिफॉल्ट पूरा आउटपुट ही आपका जनरेटेड आउटपुट हो जाता है. लेकिन इफ देयर इज एनी लिमिट देन ओनली यू हैव टू काउंट द लेटर एज वेल एज देयर स्पेस ऑल्सो. सो टुडे वी सॉ वी हैव सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ द फाइल हैंडलिंग. टुमारो विल स्टार्ट द टाइप ए बी एंड सी. थैंक यू सो मच.